यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिफिनेशंस की बात कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर को हम कैसे समझते हैं? तो हमने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड फॉर अ लार्ज प्रोडक्शन इज नोन एज एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर एक वो प्रोसेस है जिसमें फूड को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज प्रोडक्शन स्केल पर, एक लार्ज फील्ड में। तो इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं, राइट? नाउ what we know further that in agriculture the regular production, proper management and its distribution is necessary। हमें हमारे घर तक हम मार्केट जाते हैं और जरूरत के सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से या फिर अलग अलग स्टोर से खरीद लेते हैं, राइट? खाने की वो हर चीज, जैसे हमें केक मिलता है, बिस्किट मिलती है, ऑल द फूड आइटम्स दैट वी टेक वी कंज्यूम एंड वी गेट इट फ्रॉम द मार्केट बाई पेइंग सर्टेन अमाउंट। आखिर वो सामान कैसे बनता है? लेट्स टॉक अबाउट कि बिस्किट हम खरीद लेते हैं, ठीक है? तो वो बिस्किट का रॉ मटेरियल क्या है? तो उसमें फ्लावर है, फ्लोर है ना, व्हीट फ्लोर होता है, शुगर होते हैं, कुछ और उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ फ्लेवर्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको मिक्स करके एक सर्टेन प्रोसेस से हम उसको बनाते हैं। तो उन सभी चीज़ों का जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो वो इस एग्रीकल्चर से आता है। यानी उन सारी चीज़ों को हम अपने खेतों में प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स उन्हें मार्केट में सेल करते हैं और फिर हम उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। लेकिन जो हमारे फूड का जो स्टेपल पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं वीट है, राइस है, पल्सेस हैं, स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए, क्रॉप्स को यदि हम डिफाइन करें तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। कल्टीवेटेड मीन्स उसकी उसकी खेती करना, उसको उगाना, द प्रोसेस इन विच वी आर प्रोड्यूसिंग द प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल बाई फॉलोइंग डिफरेंट प्रोसेस। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये कल्टीवेशन जो है ये बहुत ही साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं कि खेत में गए और गेहूं का बीज डाल दिया और उससे गेहूं हो जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना? वैसे मतलब यदि हम गमले में भी दो चार पेड़ सीड डालेंगे तो पेड़ हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द थिंग। तो ये कल्टीवेशन जो प्रोसेस है ये बहुत सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस जब करते हैं तो वैसे क्रॉप्स को, वैसे पार्ट प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं। डेफिनेशन से क्लियर है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स, राइट? अब इसका एग्जांपल हमने दिया कि क्रॉप्स ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अब हमने क्या किया कि अक्टूबर के महीने में हमने अपने खेत को तैयार किया और उसमें व्हीट के जो बीज है उसको डाल दिया। एंड इट टेक्स मंथ और टू जिसमें वो पेड़ तैयार हो जाता है। अभी जो ये मौसम है, इस मौसम में आप देखिएगा कि खेतों में आपको वीट का पेड़ दिख जाएगा एंड द टाइम इज अबाउट टू कम जहां पर उसे हम या तो हार्वेस्ट कर चुके होंगे या करने वाले हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बड़े फील्ड में हमने सिर्फ वीट की खेती की और वीट के फसल लगाया, वीट का पेड़ लगाया, उससे वीट निकला, इस प्रोसेस को हम क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है? नोट कीजिए।